हेलो बच्चों बच्चों, हमने बेटा आपका जो क्लास 9 की साइंस की बुक है ना, उसका फोर्थ चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके फर्स्ट वीडियो में हमने परमाणु के बारे में मोटी मोटी बातें पढ़ी थी। और ये पदार्थ में आवेशित कण होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। फिर उसमें परमाणु की संरचना के जो मॉडल दिए गए थे, है ना, टॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसमें तरबूज का बताया गया था ना, यस। फिर उसकी कमियों को, कुछ कमियों को किसने दूर किया था, रदरफोर्ड ने, है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड का हमने परमाणु मॉडल पढ़ा था। फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी, जिन्हें किसने दूर किया था, नील्स बोहर ने, है ना। तो बोर का परमाणु मॉडल हमने ये पढ़ा था। बोर ने कहा, क्या कहा था, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं, उन्हीं में ही वो चक्कर लगा सकते हैं, और जब उनमें वो चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा में कमी नहीं आती है, ठीक है ना। फिर हमने थोड़ा सा इसके न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था, है ना। तो न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं बताओ, है ना, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, है ना। अब हम यहाँ से इस वीडियो में ये पढ़ेंगे, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, जो विभिन्न सेल हैं नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण ये पढ़ेंगे। एक फिर है, बहुत अच्छी एक चीज़ है, संयोजकता, जिससे आप सूत्र बनाना सीख जाओगे, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वैलेंसी बोलते हैं इसको, ये पढ़ेंगे हम, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा ये, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है हमको। फिर है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, है ना। तो ये देखो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, है ना, बहुत इंटरेस्ट वाली हैं, तो ये बहुत आसानी समझ में आ जाएंगी, और हमें केमिस्ट्री कैसी लगने लगेगी, आसान लगने लगेगी। फिर समस्थानिक, आइसोटोप, ठीक है ना, समस्थानिक आइसोटोप। और एक होते हैं संभारिक, है ना, संभारिक को क्या बोलते हैं हम, आइसोबार, है ना। तो ये पढ़ना है हमको इसमें। तो अब हम शुरू करते हैं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, है ना, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कैसे होता है। तो मैंने बेटा, मैं एक एक चीज़ पढ़ के दिखाता हूँ ना आपको, जिससे कि आपको बुक रीडिंग की क्या डले, आदत पड़े, है ना, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो एक एक लाइन हमारी समझ में आनी चाहिए, है ना। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर तथा बरी ने, बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, है ना, ये दूसरा साइंटिस्ट था बोर एंड बरी ने, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। पहला नियम था, इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में सेल बोल दो, है ना, में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² से दर्शाया जाता है। जैसे उसने बोर ने बताया था ना, प्रथम कक्षा में n=1, दूसरी में n=2, है ना, तो पहली को k, दूसरी को l, m, n, है ना, इस तरह से, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षीय या k कोश में n=1 रख देंगे, तो 2n² तो 1² तो 1² 1 होता है, 2 एकम 2, तो पहली कक्षा में कितने हो गए, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे कक्षा या एल कोश में 2n² यानी 2² हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गए। तीसरी कक्षा एम में कितने हो जाएंगे बेटा, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 हो गए। चौथे कक्ष में 2n² में रखोगे, एन की जगह 4 रखोगे, 4 चौके 16 दूना 32, तो चौथे कक्ष या कोश में कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। फिर तीसरा दिया था बेटा इन्होंने, कि सबसे जो भारी कक्षा होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, है ना, सबसे बाहरी कोश में, है ना, सबसे बाहरी कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला था तीसरा, किसी परमाणु के लिए दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते, है ना। तो भीतर के कक्ष जो हैं वो पूर्ण रूप से भर नहीं जाते तब तक वो आगे वाले में नहीं जाते। जैसे ऐसे समझो, देखो ये है ना, देखो पहले कक्ष में ये नाभिक हो गया, ये पहला कक्ष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगले में चले जाए, नहीं, क्योंकि पहले इस दूसरे में भरेंगे, इस जो पहला कक्षक है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तब अगला जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है तब वो अगले में जाएगा, फिर इसमें
तीन चार पाँच छः सात, यानी इसमें आठ जब पूरे हो जाएंगे तब नवा जो है वो अगले में जाएगा, समझ रहे ना बात बेटा, है ना। तो जब तक वो एक पूरे नहीं हो जाते हैं ना किसी परमाणु के दिए गए कोश में, इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं जो हैं वो कैसे बढ़ती हैं, क्रमानुसार भरती हैं, ठीक है ना। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्र 4.4 में दर्शाया। देखो ये पहले 18 जो तत्व हैं, है ना। तो फर्स्ट होता है बेटा हाइड्रोजन, पहला तत्व क्या होता है हाइड्रोजन। इसमें सिर्फ क्या होता है बताओ, एक प्रोटॉन होता है वो नाभिक में होता है, एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेनली इसमें इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अपन ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये जो दिखा रखा है इस पहली कक्षा में, तो एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन हो गया। फिर सेकंड नंबर पर क्या आती है, हीलियम, है ना। ये हीलियम है, देखो हीलियम में कितने, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर लिथियम, लिथियम में तीन होते हैं, तो पहली कक्षा में दो हो जाएंगे, दूसरी में एक चला जाएगा। फिर इसमें चार होते हैं बेरिलियम में, तो पहली कक्षा में दो और बाकी के दो बच गए वो दूसरी कक्षा में चले गए, है ना। देखो ये तीन होता है, ये चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ठीक है। तो इसमें चार इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में दो बाकी के दो दूसरी में चले गए। पांच होते हैं तो पहली कक्षा में दो और बाकी के तीन दूसरी कक्षा में चले गए। इसमें छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन और बाकी के चार किसमें चले गए, दूसरी में चले गए। इसमें एन में सात होते हैं बेटा, है ना, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक कितना है, सात है, तो सात ही इसमें प्रोटॉन होंगे। और परमाणु जो है वो क्या होता है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो जितने प्रोटॉन धनावेश होगा उतने ही ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने सात इसमें प्रोटॉन होंगे तो सात ही क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो सात में से दो तो फर्स्ट वाले कक्षक में आ जाएंगे पहली कक्षा में, और पाँच किस में चले जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच दूसरी में चले गए। ऑक्सीजन की आठ होती है तो पहले में दो दूसरे में छः। फ्लोरीन की नौ होती है तो पहले में दो दूसरे में सात। और नियोन, नियोन की बेटा दस होती है तो पहले में दो और दूसरे में आठ। तो अब देखो भर गया ना, आठ भर गया ये पूरा, समझ गए ना बात, ठीक है। फिर देखो अब ये सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकन का 14, फॉस्फोरस का 15 और सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और आर्गन का 18, ठीक है। अब आप देखो ये सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हो गए पहली कक्षा में, दो दूसरी में आठ, तो दो और आठ दस, कितना बचा, एक, एक तीसरी कक्षा में चला जाएगा, है ना। ऐसे ही मैग्नीशियम में 12 हैं, पहली में दो दूसरी में आठ, दो और आठ दस और बाकी के दो तीसरी कक्षा में चले गए। इसमें कितने हो जाएंगे, दो आठ और तीन हो जाएंगे, इसमें दो आठ और चार हो गए, इसमें दो पहली कक्षा में दो फिर आठ और फिर इसमें पाँच हो गए। इसमें सल्फर में पहले में दो दूसरे में आठ तीसरे में छः, क्लोरीन में पहली कक्षा में दो दूसरी कक्षा में आठ तीसरी कक्षा में सात और आर्गन में पहली में दो दूसरी में आठ तीसरी में आठ। तो इसमें पहले 18 तत्व हो गए बेटा ये, है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह। तो 18 तत्वों का इसमें ये दर्शाया गया है ना। देखो कितना आसान है, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा इसमें एक क्रियाकलाप भी दे रखा है, स्थाई परमाणिक मॉडल तैयार करें तथा पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। पहले 18 तत्वों के परमाणु की संयोजन सारणी 4.1 में दी गई, आगे जो टेबल दे रखी है उसमें है, ठीक है ना। अब अपन आते हैं संयोजकता, है ना। संयोजकता क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ बेटा मोटा मोटा क्या होता है संयोजकता, कि जो तत्व होते हैं, है ना, उनके बाह्यतम कोष में, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है, VALENCY, वैलेंसी कहलाएगी ये, ठीक है ना। तो देखो हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वो। बोरबरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, वो आठ रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन परमाणुओं, जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे अर्थात आठ होते हैं, है ना, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। जो आठ होते हैं तो इसका मतलब उनका पेट भरा हुआ है,
है ना, उनको कुछ नहीं चाहिए, है ना, वो संतुष्ट हैं अपने आप में, ठीक है ना। तो वो सक्रिय नहीं होते रासायनिक रूप से, किसी से वो क्रिया नहीं करते, अपने में मस्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। संयोजन शक्ति कंबाइनिंग पावर कितनी होती है, जीरो होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हीलियम जो होता है ये भी एक क्या है, है ना, अक्रिय है, है ना, अक्रिय बोल दो या रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं है ये। तो इसके बाह्यतम कोष में दो होते हैं, बाकी के जितने भी हैं जैसे नियोन था, आर्गन था, उनमें कितने हैं, आठ आठ हैं, ठीक है ना। और अन्य में क्या होते हैं, आठ होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है, है ना। आठ इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है ना। आठ इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को क्या माना जाता है, अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, है ना। तो जैसे ऐसे समझो बेटा, ये है ना, ये है लिथियम है, लिथियम के में कितना है बताओ, ये बाह्यतम कोष में एक है, तो ये एक को क्या कर देगा, त्याग देगा। तो इसके पास हीलियम की संरचना मिल गई ना इसको, हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है ना। ऐसे ही ये जो सोडियम है, सोडियम के भी बाह्यतम कोष में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा, है ना। और इसके बाह्यतम कोष में फिर कितने बच गए, आठ बच गए, तो इसने अक्रिय गैस वाली संरचना प्राप्त कर ली कि नहीं कर ली, ठीक है ना। तो और अभी और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे इसको। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, या तो साझेदारी करेंगे या उनको ग्रहण करने या उनको त्याग करने से होता है, है ना। यानी जो परमाणु है वो अपना अष्टक पूरा कैसे करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन की दूसरे से साझेदारी करेगा, या खुद इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, या दूसरे से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजन क्षमता, संयोजन संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, है ना। तो देखो आगे ना बेटा, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजक शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, ठीक है ना, जिसकी पहले भी चर्चा कर रखी है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हाइड्रोजन के में भी एक है, लिथियम के में भी एक है, और सोडियम के में कितना है, एक है बाह्यतम कक्ष में, ठीक है ना। सोडियम के बाह्यतम कक्ष में भी कितना है, एक है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी है, एक कही जाएगी। क्या आप बता सकते हैं मैग्नीशियम एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होगी, बताओ। देखो मैग्नीशियम कहाँ है, ये रहा, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, दो। एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, तीन इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये तीन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, त्याग देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, तीन हो गई, है ना। देखो सिलिकन के कितने हैं बेटा, चार हैं, है ना, तो सिलिकन चार है, तो ये चार त्यागेगा तो भी चार ही रहेगी इसकी संयोजकता, या चार ग्रहण करेगा तो भी इसकी संयोजकता क्या रहेगी, चार रहेगी, है ना। फिर ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस के में कितने, पांच हैं, तो बेटा फास्फोरस पांच जो है, अब इसको अष्टक पूर्ण करना है, तो पांच को त्यागना कठिन है बजाय तीन को ग्रहण करना, है ना। तो ये क्या करेगा, बजाय अपने खुद के पांचों को त्यागने के, पांच इलेक्ट्रॉन को त्यागने के, तीन इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, तीन हो गई, है ना। सल्फर के में कितने हैं, बाह्यतम कक्ष में छः हैं, है ना, टोटल कितने चाहिए, आठ चाहिए, तो छः को त्यागना कठिन है बजाय दो को ग्रहण करने के, ठीक है ना, तो इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो गई, दो हो गई। ऐसे क्लोरीन के में कितने हैं बाह्यतम कक्ष में, सात हैं, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए, है ना, या तो क्या करेगा, ये सात इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके अंदर वाले में आठ बचे रह जाएंगे, है ना। तो इन देखो इन सातों को त्याग देगा तो अष्टक पूर्ण कैसे हुआ इसका, क्योंकि ये अंदर वाला आठ रह गए कि नहीं रह गए,
तो इसको सात इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या है, कठिन है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, एक हो गई। और आर्गन की तो भरा हुआ है आठ, तो इसकी संयोजकता क्या है, जीरो। देखो हीलियम की संयोजकता जीरो, नियोन की संयोजकता जीरो, और आर्गन की भी संयोजकता जीरो हो गई। ठीक है, तो यही इसमें समझाया गया है। ठीक है, तो यह क्रम से दो और तीन है, तो मैग्नीशियम की दो है, एल्यूमिनियम की तीन है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में दो तथा एल्यूमिनियम के में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता सात हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन है बेटा, है ना, मैं क्लोरीन पढ़ रहा हूँ उसको, है ना, फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी संयोजकता सात हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए सात इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए क्या है, अधिक आसान है। अतः इसकी संयोजकता क्या हो गई, एक हो गई, है ना। अतः इसकी संयोजकता अष्टक में से सात घटाकर प्राप्त की जाती है, तो आठ में सात जब घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा हमको। और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता एक है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार की, क्योंकि ऑक्सीजन के में कितने हैं, छः हैं, तो बजाय छः को त्यागने के क्या करेगा, दो ग्रहण कर लेगा, तो आठ में से छः घटाओगे तो कितने आ गए, दो आ गई इसकी। इस प्रकार ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी बताओ, दो, है ना। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। प्रथम 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई। देखो बेटा ये दिखा रखी, ये जो टेबल है ना आपकी, है ना, इसमें ये जो लास्ट कॉलम है ये किसका है, संयोजकता का, है ना। देखो ये रहा संयोजकता बैलेंसी। तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, एटॉमिक नंबर एक, तो इसमें एक प्रोटॉन हो गया, है ना, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भी कितनी होती है, एक होती है, है ना। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अब वो भी एक ही है, तो एक ही प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन क्या हो गए, जीरो हो गए, है ना। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, एक हो गई। कौन सा कक्षक में होगा इसमें, के, है ना, के कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी संयोजकता एक हो गई। हीलियम की दो है, परमाणु संख्या दो हो गई इसकी, दो प्रोटॉन हो गए, और इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु संख्या जो होती है बेटा, वो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर तो क्या है इसकी, दो है, और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो चार होती है, ऐसे होता है ये 2He4, है ना। तो देखो दो प्रोटॉन हो गए, दो ही इलेक्ट्रॉन हो गए, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा के निकालते हैं, क्योंकि ये जो संख्या होती है ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को दर्शाती है, है ना। तो प्रोटॉन दो है तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, चार में से दो को घटा देंगे, तो इसमें न्यूट्रॉन भी दो हो गए, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, दो, और ये दो इसमें फर्स्ट वाले में आ जाएंगे। लिथियम में तीन परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु संख्या तीन है, प्रोटॉन तीन हो गए, है ना, और इसकी सात होती है द्रव्यमान संख्या, है ना, तो ये क्या होती है इसकी, 3Li और 7 यहाँ आएगा आगे ऐसे, है ना। तो तीन प्रोटॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन क्या हो गए, सात में से तीन घटा हो गए तो चार आ गया, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीन हो गई। तो पहले कक्ष में दो है और दूसरे में क्या, एक, क्योंकि पहले में सिर्फ दो हो सकते हैं, है ना, दूसरे में एक चला गया, इसकी संयोजकता एक हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सारे तत्वों की ये ना, जैसे ये देखो यहाँ दिखा रखा है फॉस्फोरस, देखो बेटा सोडियम देख लो, सोडियम के कितने हैं, 11, है ना, तो 11 प्रोटॉन हो गए, है ना, और 11 प्रोटॉन हो गए, और अब इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 23, इस तरह से होती है ये Na11, और यहाँ क्या होता है, 23 होता है। तो देखो 11 प्रोटॉन, 11 ही इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 23 में से 11 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा ना, तो ये न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए, इलेक्ट्रॉन 11, तो अब 11 में से कैसे बटेंगे, पहले में दो, दूसरे में आठ, और तीसरे में एक, है ना, और संयोजकता कितनी हो गई, एक हो गई इसकी, ठीक है ना। तो वो जो इस ये जो चित्र थे ना बेटा, ये इसी के आधार पर ये टेबल बनी हुई है ना, जैसे चित्र में समझाया था उसी तरह से आप इनको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो फिर ये क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन का कितना है, 17, परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 17, है ना, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 17 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 17 हो गए, है ना, और इसकी जो होती है वो 35 होती है, तो यहाँ तो 17 होता है, ऊपर कितना होता है इसमें,
द्रव्यमान संख्या कितनी होती है इसकी, 35। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, 35 में से 17 घटा दोगे, है ना, तो कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए इसमें, 18 हो गए, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने, 17। तो 17 कैसे भरेंगे, 2, 8 और 7। तो 2 पहले में, 2 दूसरे में, 8 तीसरे में, 7। अब ये 7 है तो संयोजकता कितनी होगी इसकी, इसका अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है बजाय 7 को त्यागने के, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है बच्चों, है ना, कितना इंटरेस्टिंग है। अब इसके बाद आते हैं हम परमाणु संख्या एटॉमिक, जो अभी इसमें दर्शाई थी वही चीज है बेटा ये, है ना, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर, और द्रव्यमान संख्या को क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो देखो मैंने अभी यहां दिखाया था ना आपको, हीलियम का दिखाया था, हीलियम का क्या था, यहां तो 2 होता है और यहां क्या होता है, 4। तो इसका मतलब ये जो नीचे होता है बेटा, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है ये, है ना, और ये जो होता है ये क्या होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है, मास, ये इसका मास नंबर होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 2, है ना, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, है ना। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये जो संख्या होती है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दर्शाती है, तो प्रोटॉन हमको पता है 2 हैं और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 हैं, तो न्यूट्रॉन कितने बच गए, 4 में से 2 घटा दोगे तो 2 आ गए, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है ना, जैसे फिर इसका दिखाया था ना मैंने आपको, सोडियम का ये था, है ना, सोडियम का क्या होता है, 11 Na 23, क्या होता है बेटा, सोडियम का देखो Na का क्या होता है, 11 और 23, है ना। तो ये परमाणु क्रमांक है और ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु संख्या है और ये परमाणु क्रमांक बोल दो या परमाणु संख्या बोल दो, है ना, द्रव्यमान संख्या बोल दो या परमाणु भार बोल दो, ऐसे भी बोल देते हैं कई बार, है ना, क्योंकि जो परमाणु के अंदर जो भार होता है वो मेनली किस किस में होता है बेटा, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही होता है। इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, बताया था ना मैंने आपको, 2000वां भाग होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो एक प्रोटॉन के वेट का 2000वां हिस्सा होता है, तो बहुत कम हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं हम, नगण्य मान सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के भार को, है ना। तो परमाणु के अंदर जो मेनली जो भार होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग एक जैसा होता है उनका भार, है ना। तो इसमें देखो ये इसकी क्या है, परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या है, तो ये किसको दर्शाती है, प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 11। और हमको पता है कि परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो संख्या है ये किसको दर्शाती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन 11 है, है ना, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23 हो गए, तो न्यूट्रॉन कितने बचे, 23 में से 11 को घटा देंगे, तो n कितने हो गए, 23 में से जब 11 घटाओगे तो 12 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये वही चीज़ दिखा रहा है, ये परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये पढ़ते हैं अपन इसको, है ना, आराम आराम से पढ़ा करो आप, तसल्ली से, है ना बेटा। और एक बार जब शुरू के जो चैप्टर्स हैं ना, इनको आसानी से पढ़ लोगे, है ना, बहुत समझ के, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना, तो फिर आगे की सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। और बेटा अगर शुरू में जल्दबाजी मचाओगे, शुरू के चैप्टर ही समझ में नहीं आएंगे, तो फिर एक तरह से भय बैठ जाएगा दिमाग के अंदर, है ना, डर बैठ जाएगा कि यार मुझे तो ये नहीं आ रहा, है ना, और फिर सब कुछ चीज़ें ऊपर से निकलेंगी। तो इसलिए शुरू के जो चैप्टर्स हैं बेटा, इनको बहुत आसानी से, है ना, बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ना है। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, है ना, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। तो ये दिखा था ना, ये किसको दर्शाती है बेटा, प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। इसे जेड से द्वारा दर्शाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जेड, है ना, इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या द्वारा परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए जेड कितनी हो गई, 1, है ना। हीलियम के लिए जेड कितनी हो गई, 2, है ना। फिर लिथियम के लिए 3, ये था ना इस तरह से, है ना, लिथियम के लिए जेड 3, बेरिलियम के लिए जेड 4, है ना, फिर बोरॉन के लिए जेड 5, ठीक है ना। ऐसे ही सिलिकन के लिए जेड कितनी हो गई, 14, ठीक है ना, इस तरह से ही है।
हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू वन, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, क्या होता है सिर्फ, है उसमें ए सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए जेड इक्वल टू सिक्स, ठीक है ना। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या बताया था बेटा मैंने, बताओ, ये ऊपर वाली जो होती है ये किसका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दर्शाती है, ठीक है। तो देखो ये एक परमाणु के अवपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर, अवपरमाणु कण क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जो उसके अंदर पाए जाते हैं, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों को अवपरमाणु कण बोलते हैं, के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यावहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं ये, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, है ना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं, क्योंकि इन्हीं से मिला के नाभिक बनता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 U है तो कार्बन का इस तरह से होता है ना बेटा, देखो कार्बन का क्या होता है, यहाँ 6 होता है और यहाँ 12 होता है। तो 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितनी हो गई, 12, है ना। तो एक प्रोटॉन का 1 U होता है और एक न्यूट्रॉन का 1 U होता है, तो 6 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो कितने हो, टोटल 12 U हो गया, है ना। तो यू क्या है, उसकी एक इकाई है बेटा ये, है ना। तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 12 U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6U प्लस 6U 12U हो गया। इसी प्रकार एल्युमिनियम का 27U होता है। एल्युमिनियम का कितना है, देखो बेटा 13 नंबर पे होता है ना ये Al, तो यहाँ तो आता है 13 और यहाँ क्या आता है 27। देखो इसमें 13 तो प्रोटॉन हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉन भी 13 हो गए, और न्यूट्रॉन कितने हो गए बताओ, 27 में से 13 घटा दोगे तो कितना आ गया, 14 आ गया, है ना। तो इसका परमाणु भार कितना हो गया, द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 13 प्लस 14 27U हो गई इसकी, है ना। इसी प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27U है, 13 प्रोटॉन प्लस 14 न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी कह देते हैं, है ना। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, है ना। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस तरह से लिखते हैं, देखो, है ना। तो ये तत्व का प्रतीक हो गया, जैसे अभी देखा था ना अपन ने Al, तो ये तो बीच में आ गया, है ना, ये देखो ये बीच का बॉक्स हो गया। फिर इसकी यहाँ इस जड़ में यहाँ नीचे इधर क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं, है ना। तो 13 है ना इसकी परमाणु क्रमांक इसका, है ना, और ऊपर क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, और वो कितनी है इसकी, 27। तो ये हो गया ना तत्व का प्रतीक हो गया, यहाँ जेड, यहाँ जेड हो गई, और यहाँ क्या हो गई इसकी, ये द्रव्यमान संख्या हो गई इसकी, ठीक है ना। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन का 7 है ना परमाणु क्रमांक, है ना, और इसकी द्रव्यमान संख्या 14 होती है। तो 7 इस तरह देखो, N 7 और 14, ठीक है। अब आते हैं हम समस्थानिक, और इसके लास्ट में क्या है, संभारिक, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है ना बेटा। देखो समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कार्बन है ना, देखो मैं उदाहरण समझाऊंगा तो फट से समझ में आ जाएगा आपके, है ना। देखो कार्बन है ना, तो कार्बन में देखो सब में 6 है ना, है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो कार्बन प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है, एक तो होता है 6C12, एक होता है 6C13 और एक होता है 6C14। तो देखो इसमें क्या चीज़ है बेटा, परमाणु क्रमांक तीनों का समान है ना, 6 6 6, परमाणु संख्या क्या है तीनों की, सेम है, एटॉमिक नंबर जो है तीनों का सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है इनकी, अलग अलग है। तो क्या चीज़ अलग है बताओ, प्रोटॉन तो तीनों में 6 6 ही हैं, बस न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, है ना। तो देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6, न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 में 6 घटाए तो 6, आया ना समझ में, ठीक है ना। इसमें देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो गए, 13 में 6 घटाओगे तो 7 हो गए। इसमें देखो बेटा प्रोटॉन कितने हैं, 6, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 में 6 घटाओगे तो 8 आ जाएंगे, है ना। तो अगर किसी तत्व के, है ना, इस तरह के रूप हों प्रकृति के अंदर के, उनमें प्रोटॉनों की संख्या तो क्या हो, समान हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो,
है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, ये परमाणु संख्या तो सेम हो गई लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, भिन्न हो गई। तो ऐसे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इनको हम, आइसोटोप्स, ठीक है ना। तो क्या हो गया बेटा, देखो कि क्या चीज सेम होती है, परमाणु संख्या सेम होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक है ना। तो देखो यहां इसमें दिखा रखा है, आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हाँ देखो एक हाइड्रोजन का भी है ना। हाइड्रोजन तीन रूपों में मिलता है, जिस तरह से कार्बन है ना, ऐसे ही देखो हाइड्रोजन की 1H1, फिर 1H2 और 1H3। इसमें देखो प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन क्या है बताओ, जीरो, क्योंकि ये एक जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो एक ही, तो इसमें एन क्या हो गया, जीरो हो गया। इसमें प्रोटॉन एक हो गया, इसमें न्यूट्रॉन दो में से एक घटा दोगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखो बेटा प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन कितने हो गए, तीन में से एक घटाओगे तो दो न्यूट्रॉन हो गए, है ना। तो ये प्रकृति के अंदर हाइड्रोजन इन तीन रूपों में मिलता है ना। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है ना। तो ये दिखा रखा है, देखो बेटा इसमें आपकी बुक में। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लें, इसके तीन परमाणुक स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब प्रजातियां, है ना, एटॉमिक स्पीसीज होते हैं इसके, प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1H2 या डी, है ना, और ट्राइटियम 1H3 या टी। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, एक 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 है तीनों में, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, एक दो और तीन है। इस तरह के अन्य उदाहरण कार्बन का देख लो, 6C12, 6C14, है ना। अब पता नहीं 6C13 होता है कि नहीं होता, मैंने तुम्हें 6C13 और बता दिया, हो सकता है ना बेटा ये नहीं हो, तो ये और ये मान लो आप 6C12 और 6C14, ठीक है। फिर इसके बाद क्लोरीन के भी होते हैं बेटा, है ना, 17Cl35 और 17Cl37। तो ये दो समस्थानिक हो गए, देखो इन दोनों में 17-17 है ना, परमाणु संख्या क्या है, समान है, और द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है। इन उदाहरण के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, कैसे, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या तो क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, है ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के तीन समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है ना। अब लेकिन ये है बेटा कि जो समस्थानिक होते हैं इनके रासायनिक गुण सेम होते हैं और इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत से तत्वों में समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है, किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन के दो समस्थानिक पाए जाते हैं, एक का 35U है और दूसरे का क्या है, 37U है, जो प्रकृति में 3:1 में मिलते हैं, अर्थात ये 3 गुनी मात्रा में मिलता है और ये 1 गुनी मात्रा में मिलता है, यानी अर्थात ये जो है ये प्रकृति में इसकी अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है, यानी इसकी प्रकृति में बहुलता ज़्यादा है, ठीक है ना। अब ये प्रश्न उठता है कि इनके लिए वो क्या लें हम, द्रव्यमान संख्या क्या लें इसकी, है ना। तो उसका कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए, आइए इसकी गणना ऐसे करते हैं। देखो 35 जो है, 35 ये कैसे मिलते हैं, देखो बेटा ये है ना Cl, तो ये तो 17 होती है और ये कितनी है, 35 है, और दूसरे की क्या है Cl, ये 17 है और ये कितनी है, 37 है। अब ये 3 है और ये 3:1 में है, यानी ये वाला 3:1 में मिलता है और ये वाला 1:1 मिलता है। तो 3:1 का मतलब 75% हो गया, नहीं हो गया, और 1 का मतलब क्या हो गया, 25% हो गया, तो परसेंट का मतलब बटे 100 हो गया। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये 35 है इसका, 35×75/100 प्लस ये कितना है, 37 × 25/100, है ना। तो जब इसको कैलकुलेशन को करेंगे तो क्या जाएगा, 35.5U आ जाएगा, 35.5U आ जाता है, ठीक है। तो किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना पड़ता है हमको, कि भाई कितने परसेंटेज में वो प्रकृति में उपलब्ध है, और औसत द्रव्यमान की गणना इस प्रकार करते हैं फिर हम, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे फ्रैक्शन में मिलेगा भिन्न संख्या, 35.5 है ना ये, तो 35 से 1/2 है, तो इस तरह से नहीं है ये, है ना।
इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या है। इसका तात्पर्य यह होता है कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लोगे तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और उनका औसत द्रव्यमान कितना होगा, 35.5 यू होगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसके उपयोग देखो, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग हैं समस्थानकों के, अनुप्रयोग एप्लीकेशंस। कुछ समस्थानकों में विशेष गुण होते हैं है ना, जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं है ना। जैसे यूरेनियम का सुना होगा आपने है ना, U-235 देखो U-92 और 235 है ना, तो एक यूरेनियम के भी समस्थानिक होते हैं। तो इनमें ये वाला जो समस्थानिक है ये परमाणु ईंधन के रूप में काम आता है, जो जहाँ परमाणु उससे ऊर्जा से बिजली बनती है ना वहाँ पे काम आता है। तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, एटॉमिक रिएक्टर होता है ना परमाणु भट्टी, जहाँ पे इनको इन रेडियो एक्टिव तत्वों को जलाया जाता है और ऊर्जा पैदा की जाती है। फिर है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक उपयोग होता है, और घेंघा रोग गलगंड एक रोग होता है घेंघा, गॉइटर जिसको बोलते हैं ना, तो गॉइटर डिजीज जो होती है उसके इलाज में आयोडीन का समस्थानिक उपयोग में होता है ना। तो देखो बेटा ये समस्थानिक आ गया आपकी समझ में। अब ये संभारिक इसका उल्टा है ना। जैसे मैं बताता हूँ आपको, दो तत्व लिए हमने, एक लिया कैल्शियम है ना और एक लिया आर्गन, ठीक है ना। तो कैल्शियम का कितना है परमाणु क्रमांक ढूंढो, देखो इसमें कैल्शियम का आपकी इसमें शायद नहीं है कैल्शियम का है ना। इनकी देखो बेटा जो परमाणु संख्या है ना, जो द्रव्यमान संख्या है वो दो तत्वों कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, अच्छा हाँ ये 20 होता है आपके इसमें 18 तक ही है ना, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है 20 है, और आर्गन की परमाणु संख्या कितनी है 18 है। आर्गन का तो था ना आपके इसमें, ये रहा आर्गन कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये 18 ठीक है ना, लेकिन 19 और 20 कैल्शियम 20वें नंबर पे आता है ना। तो कैल्शियम का की परमाणु संख्या क्या हो गई 20, और आर्गन की परमाणु संख्या कितनी है 18 है ना। लेकिन बेटा इनका द्रव्यमान संख्या जो है वो दोनों की सेम होती है, यानी इसकी भी 40 होती है और इसकी भी क्या होती है 40 होती है ना। तो संभारिक है ना, यानी भार समान है, भार में बेसिकली किस में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में होता है। तो और ये संख्या जो होती है वो किसको शो करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शो करती है ना। तो इसका भी भार सेम हो गया, यानी इन दोनों का भार क्या हो गया सेम, लेकिन इनके रासायनिक गुण अलग अलग हैं इन दोनों के, है कि नहीं। क्योंकि कैल्शियम तत्व और ये आर्गन है, ये तो एक उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है, कैल्शियम क्या है एक अलग तरह का वो है तत्व है, ठीक है ना। तो दो तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार करो। परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है ना, इसमें प्रोटॉन 20 है और इसमें प्रोटॉन कितने हैं 18 हैं है ना, भिन्न है। तो इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग हो जाएंगे, इसमें 20 हो जाएंगे और इसमें कितने हो जाएंगे 18 होंगे। लेकिन क्या है बेटा, इसमें दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या है 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियोनों की संख्या क्या है समान है, जो कुल न्यूक्लियोन्स हैं है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिला के क्या है समान है। तो अलग अलग परमाणु संख्या वाले है ना, परमाणु संख्या क्या है दोनों की अलग अलग है। उस केस में क्या था देखो, समस्थानिक वाले में परमाणु संख्या सेम थी, नीचे वाली जो थी, जैसे इसका देखा ना क्लोरीन का देखा था, चाहे हाइड्रोजन का देखा है ना अपन ने, चाहे कार्बन का देखा, उनमें क्या था नीचे वाला जो जेड था वो सेम था है ना। इसमें क्या है ऊपर वाला जो है ए बोलते हैं उसको है ना, परमाणु संख्या जो वो द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है समान है ना। तो अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है समान होती है, क्या कहा जाता है संभारिक कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में आइसोबार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, आइसोबार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फोर्थ चैप्टर समाप्त हो गया है ना, देखो कितना बहुत अच्छा है। तो इसको बेटा आराम से एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो है ना, और ये जो विशेष रूप से ये जो है ना ये चित्र इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है ना, इनको बना बना के देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है आपके ये है ना। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।